हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। और आगे मैं फिर से एक रिव्यू वीडियो लेके, और जिसका रिव्यू मैंने इस रेंज का रिव्यू मैं पहले भी कर चुकी हूँ, जिसका नाम था लॉरियल पेरिस का जो माइक्रो एसेंस आया था, बट उसने मेरे ऊपर कुछ खास वर्क किया नहीं था। बट ये जो से प्रोडक्ट आया है, मैंने इसके रिव्यूज़ देखे, बहुत पॉजिटिव रिव्यू आ रहे हैं, तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई इसको यूज़ मतलब परचेज़ करने से, और अभी जो है मैंने इसे परचेज़ ही किया है। और ये है यहाँ पे मेरे पास लॉरियल पेरिस का रेविटालिफ क्रिस्टल हाइड्रेटिंग जेल क्रीम। तो आपने जो है मैंने एसेंस यूज़ किया था, ठीक ठाक था, थोड़ा बहुत ओवरऑल गया। और इसका जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता दूँ, सैलिसिलिक एसिड है। आजकल मैं प्रोडक्ट काफ़ी देख रही हूँ और काफ़ी जो है उस सैलिसिलिक एसिड के बारे में सुन रही हूँ, तो मुझे जो था पहले इस बारे में नॉलेज नहीं थी कि ये होता क्या है, बट मैंने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च की तो देखा मैंने ये कैसे वर्क करता है, और ये प्रोडक्ट अगर आपके प्रोडक्ट में है तो आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। सबसे पहला आपको फ़ायदा मिलता है कि आपकी स्किन में अगर कोई डेड स्किन है तो ये डेड स्किन रिमूव करता है। और आपको पता था ना, जो हमारे ये रोम क्षेत्र पोर्स होते हैं, ये मतलब जो हम मेकअप या फिर कुछ ना कुछ यूज़ करते हैं, इसकी वजह से क्लोज होने लगते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा जो होते हैं वो अजीब से हो जाते हैं, और हमारे यहाँ पे गड्ढे गड्ढे दिखने लगते हैं। मोस्टली आप बहुत लोग की स्किन देखते हैं, तो ये हमारे पोर्स को मिनिमाइज करता है। और तीसरा क्या होता है, कई लोग आप देखते हैं टेक्सचर जो होता है फेस का अलग अलग होता है, लाइक ये पार्ट अलग होता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो आप ओवरऑल मेरा फेस देखेंगे, और जो मेरा नोज एरिया है इसका टेक्सचर ना इस टेक्सचर से काफ़ी अलग है, ये वाला जो एरिया है काफ़ी रेड रहता है, तो ये आपका स्किन का टेक्सचर भी काफ़ी हद तक सही करता है, ऐसा ये क्लेम करता है। मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया तो मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि ये ऐसा ऐसा करता है, ऐसा ये क्लेम करता है, ऐसा इसने बोला। तो ये मंगाने का मेरा पर्पज़ ये था कि मैं देखती हूँ कि ये कैसा वर्क करता है, तो सेम मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ एटलीस्ट 4 वीक। कोई भी चीज़ है आप 3-4 वीक यूज़ करते तभी आप उसके जो है देखने शुरू होते हैं कि वो आपके ऊपर वर्क कर रहा है नहीं। हमारा जो ये प्रोडक्ट है ये ग्लास बॉटल में आया हुआ है, जो कि, और ये जो प्रोडक्ट मैंने मंगाया था ये 15 ml मंगाया था, और 15 ml का जो प्राइस था वो 299 है। और आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो कुछ इस तरीके का है, और जैसा कि इसका एसेंस था वो बिल्कुल वाटरी था, मतलब बिल्कुल क्लियर था, तो सेम ये क्रीम भी है वो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट ही है। एंड इट इज़ अ वेरी लाइट वेट फॉर्मूला, बहुत लाइट वेट है यूज़ करने में। और अगर मैं बोलूँ तो ये जो क्रीम है, इन्होंने ऐसा बोला है कि ये जो है ऑयली स्किन के लिए ऑयल फ्री, मतलब बहुत जिन लोगों को ऑयली स्किन है उनके लिए बेस्ट है, बट मेरी स्किन जो है कॉम्बिनेशन टू ऑयली है। जो मेरा टी जोन एरिया है ये समटाइम ऑयली रहता है, एंड जो मेरा सी जोन एरिया है ये हमेशा कॉम्बिनेशन या फिर ड्राई में रहता है, तो मैं ओवरऑल इसको अपने पूरे फेस पे ही यूज़ करूँगी। और दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो होता है एक्सफोलिएट भी करता है आपकी स्किन को, और दूसरा जो है अगर आपके ब्लैक हेड्स हो जाते हैं तो उसको भी काफ़ी हद तक रिमूव करने में हेल्प करता है। अब मैं ये देखती हूँ कि ये मेरे ऊपर कितना ज़्यादा वर्क करने वाला है। गाइज, इस प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है कि ये ऑयल फ्री, जो कि आप देख सकते हैं हाईलाइट भी हुआ है, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ऑयल फ्री। और ये प्रोडक्ट आया तो वैसे 6-7 महीने पहले है, बट मैंने उस टाइम पे नहीं मंगाया क्योंकि विंटर्स में इतना ऑयल फेस पे नहीं आता, बट अब समर स्टार्ट हो रहे हैं तो समर पे हमारे स्किन से जो सीबम जब स्टार्ट होता है तो बहुत, जिसकी वजह से जो है फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, तो देखते हुए कितना ज़्यादा ये ऑयल कंट्रोल करता है। तो मेरा इसको मंगाने का मेन पर्पस यही था, और अब मैं इसको टेस्ट करने वाली हूँ एटलीस्ट 4 वीक्स के लिए, और 4 वीक्स के बाद या बीच बीच में मैं आपको इसका रिव्यू और रिजल्ट जो है शेयर करती रहूँगी। तो दैट्स ऑल गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आज का रिव्यू जो होगा आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप इसको मंगाना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट कीजिए, मेरी वीडियो का इंतजार कीजिए, फिर उसके बाद आप इसको अगर चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। दैट्स ऑल गाइज, जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।